हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, चलिए आज हम आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 11th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी क्लास टेंथ के लिए 21 से 22 के सेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें IMP क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा, जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट, एक मिनट जरा कंस्ट्रक्ट कर दूँ सही, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। गाइस वही बात है, जस्टिफिकेशन सेम प्रोसेस होती है, आप लोग को पूछा जाता है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अब तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। मेन होता है डायग्राम कैसे बनाया जाए, है ना, और कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए। बहुत ईजी है, जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, बाकी आप लोग के हाथ पे कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम फटाफट क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, इसमें से आप या तो मिड वैल्यू ले लीजिए या हाइएस्ट वैल्यू ले लीजिए। तो हाइएस्ट वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर, चलिए हम उसको भी ले लेते हैं, अदरवाइज बाकी आगे देखेंगे क्या करना है ना। चलो तो बच्चों, यहाँ हम थोड़ा स्पेस देते हुए यहाँ ले लेते हैं वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 0 पे मैंने पॉइंटर रखा, ठीक है, एंड 7 पे रखा, इन दोनों को पॉइंट सब पॉइंट को मैंने एक मिलाया, तो ये बन गई हमारी लाइन, ठीक है। तो ये लाइन बन गई, तो इस वाले पॉइंट को बेटा हम नाम देते हैं, बी, और ये वाले पॉइंट को दे देते हैं सी, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी हो गई कौन सी, 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अपने नेक्स्ट स्टेप में अपना एक प्रकार उठाते हैं, यानी कि आपका कंपस, है ना। इसको उठाने के बाद आप नाप ले लीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने बी को, है ना, बी को केंद्र मानकर, मतलब बी को सेंटर मानकर, हम जैसे 5 सेंटीमीटर का ये ले लेते हैं, ये हमारा यहाँ रखा, और ये 5 पे हम जाते हैं, देखा, एक मिनट बच्चों, जी देखिए 5 सेंटीमीटर का हमने ले लिया नाप। अब क्या करेंगे, हम बी को सेंटर मानकर उस पर हम एक चाप लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे बी पे पॉइंट पे रखा और एक चाप आराम से प्यार से खींच दिया, ठीक है, गौर से देखिए बिना हिलाए। देन नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, अब सी को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो हम यहाँ नाप ले लेते हैं बेटा, जरा सा एक सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गए बच्चों। हम क्या करेंगे, सी को सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर का और चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया बेटा, हमें मिल गया कौन, हमें मिल गया ए, ए बिंदु मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, ए बिंदु। और जिसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं बेटा, हम उसको करेंगे यहाँ पर ए को मिलाएंगे बी से, और ए को ही मिलाएंगे सी से, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बेटा, यहाँ स्पेस की थोड़ी हमने कम ले लिया है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब अपन यहाँ पर थोड़ा बनाएंगे ऊपर अपन को थोड़ी दिक्कत आएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम जैसे ही देखते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताना, इस पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब 2:3 वाली वैल्यू आई थी, तो मैंने बताया नहीं था 2 में 3 का डिवाइड मारो और जो वैल्यू आएगी उसको चेक करो कि 1 से छोटी है या बड़ी। अगर 1 से छोटी है तो इसके अंदर बनेगा हमारा एक और ट्रायंगल जो दूसरा आने वाला है, लेकिन अगर 1 से बड़ी होगी तो अंत बाहर बनेगा। तो बेटा यहाँ 7/5 है, 7/5 में हमने देखा कि 5 का 7 से डिवाइड मारा, तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 × 5 है ना, 5 × 5 ले दिया, 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2 में दे दिया अपन ने, 1 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो अपना आ जाएगा बेटा 5 × 4 = 20, ये 1.4 आ रहा है, जो कि क्या है, ये है 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि 1 से ये क्या है, बड़ा, यहाँ आप देख रहे होंगे ये 1 से बड़ा है कि नहीं। और मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो यानी कि यहाँ पर ये जिस ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर एक और ट्रायंगल बनेगा, ना कि अंदर, अभी अपन ने अंदर बनाया था, अब बाहर बनेगा।
तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बेटा, 7। तो हम नीचे की साइड एक कोई भी एक एक्यूट एंगल बना देते हैं अपनी इच्छा से। देन उसके बाद जो 7 है ना, 7 उतने 7 बराबर चाप खींचेंगे, ठीक है। चलो बच्चों फटाफट से लाइन से तैयार हो जाओ जी। हमने खींची एक लाइन, यहाँ हम अब काम करते हैं, अपने एक प्रकार ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 है ना, तो 7 बराबर हम चाप लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कट लगाएंगे जो कि एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो ये देखो एक कट जी लग गया, एक इसी पे, इसी को हिलाए बिना, दो तीन चार पांच छः और ये हो गया बेटा 7। थोड़ा हिल गया, थोड़ा सा इसको बिना थोड़ा सही करके 7, ठीक है। तो बेटा यहाँ 7 जैसे ही बन गए तो हम इसका क्या करते हैं, नामकरण भी कर देते हैं। तो यहाँ बी सी चल रहा था, बी का पॉइंट चल रहा था, इसका नाम दे देते हैं बेटा B1, B2, B3, B4, B5, B6 और जी हो गई बेटा B7। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अच्छा बेटा एक जवाब बताओ, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू 5 है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 का है B5 हम देख रहे हैं यहाँ पर है ना। तो B5 को क्या करना है बेटा, एक्सटेंड कर दो सी तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया सी तक, तो ये दोनों मिल गए, इन दोनों का मिलन करा दिया हमने, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, B5 को C से मिला दिया गया। अब जैसे ही B5 को C से मिलाया गया तो अब हमें क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा निकला तो यानी इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा ट्रायंगल। तो इसके लिए पहले यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा बाहर की साइड। तो बेटा यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई एक चाप लगा दीजिए, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। तो अच्छा से एक चाप लगा दीजिए, देखिए प्यार से, बस गलती ना हो इस बात की गुंजाइश आप देख लेना, ठीक है। तो बिना हिलाए हमने एक चाप खींचा, ये साइज ही रखना, इसको B7 पे रख दो बेटा। किस पे रख देंगे, B7 पे, इसको बिना हिलाए बेटा हमने रखा B7 पे। देखिए हाँ, अब एक चाप प्यार से खींच दीजिए एक और, है ना, थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए बेटा, है ना। क्या होता है थोड़ा हिल जाता है तो 19-20 का भी अंतर आ जाता है। देखो तो खींच दिया, अब इसके बाद क्या करो बेटा, यहाँ पर है ना, इस आपको ये तो पता ही होगा ये लाइनों को आपको बराबर एंगल में कैसे बांटते हैं, तो बेटा ये बांट दो, है ना, जी हमने सिखाया ही है आपको। तो देखो बेटा ये इसका नाप लेके इस पॉइंट पे रखो और इसे कट कर दो, कह दो बेटा अब रास्ता बंद हो गई है, इसके पार करोगे तो लाइन खिंचेगी, ठीक है। तो कट कर दिया, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा लाइन बढ़ा दें, है कि नहीं। चलो हटा, थोड़ी बड़ी लेना यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ एक लाइन खींचने के बाद बेटा एक लाइन और मिल, एक पॉइंट हमें मिल गया जी, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, B7 को एक्सटेंड करेंगे इससे होते हुए, अब वो होते हुए यहाँ पर जाएगा। तो देखो बेटा कर दो जी, बेटा हम कर रहे हैं B7 को एक्सटेंड, ठीक है। ये B7 को हमने करा बेटा एक्सटेंड जी, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। देखो कहाँ आ गया, B7 को हमने एक्सटेंड करा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ गया, जो कि BC दिख रहा है, इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। BC को हम एक्सटेंड कर देते हैं कहाँ तक, ये लीजिए, ओ सॉरी बेटा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ये लीजिए जी एक्सटेंड करा। तो यहाँ देखो पॉइंट, जी लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, यहाँ कैंसिल हो रही है, हो रही है। तो बेटा इसका यहाँ नामकरण कर दो, ये एक्स कर दो, ये तो भूल गया था, बाय कर देते हैं इसको, है ना, एक्स बाय, ठीक है। अब देखो जी लाइन जो हमने खींची ये एक्सटेंड हुई, तो ये BX पर हमें यहाँ मिला, तो यहाँ पे बेटा कौन सा पॉइंट मिल गया, सी डैश, क्या मिल गया बेटा, सी डैश, ठीक है, यानी कि हमारा सी का जुड़वा भाई मिल गया, ठीक है। अब देखिए जी ऐसा हो गया, अब जैसे हमने यहाँ सेम टू सेम लाइन को बांटा वैसे यहाँ पर भी बांट दीजिए इसको, मतलब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, लाइन को बराबर,
तो प्रकार लीजिए, प्रकार को लेने के बाद अपनी इच्छा से प्यारा सा एक तैयार कर लीजिए। ठीक है, डरिएगा नहीं बेटा, ये चीज है ना जब करोगे ना बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, जैसी जब हो जाएगी ना उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन इसकी। चलिए तो देखिए ये आ गया, ये लीजिए बेटा, अपन खींची बराबर बिना हिलाए, बेटा याद रखना बिना हिलाए। चलो अब ऐसे ही एक एक नाप ये भी ले लेते हैं, जी हो गया, जी हो गया, ये हमारा यहाँ पर ये हो गया कट, छोटा सा ही कट मार देते, क्या पता भैया अभी वैसे यहाँ पर थोड़ा अर्थ क्यूब सा आ रहा है तो ये ला ये रजिस्टर है ना, चलो इग्नोर इट। चलिए अब देखिए ये पॉइंट आ गया, आ गया। अब देखो मैं आपको कह रहा था ना यहाँ पर बेटा हमने छोटी जगह ले ली, क्यों ली थी देखिए, अब ये पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सटेंड करने वाले हैं, इस पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट से होते हुए। अब ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से होते हुए एक्सटेंड होगा तो बेटा जाहिर सी बात है कि आपके ये पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है तो सीधी सीधी बात है ये यहाँ जाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं पेंसिल ले लेते हैं, चलिए इसी से कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो बेटा हमने इस पॉइंट को एक्सटेंड करा, कर दिए बेटा, तो ये क्या बराबर एंगल आ गया। एक्सटेंड करने के बाद ये पॉइंट दिख रहा है बेटा, इस पॉइंट को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है बेटा, इस लाइन को क्रॉस कर रही है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, देखो चल ऐसे करके बेटा क्या हो गया, यहाँ एक और ट्रायंगल बन गया बड़ा सा, इसके लिए पूरा पेज चाहिए, ये लाइन वगैरह भी साइड करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये क्या हो गया, हमें पूरा पेज बन गया बड़ा सा। यहाँ देखिए ये बी, जैसे ये एक्स था ये बाय था, ऐसी ये पॉइंट जो दिख रहा है ये पॉइंट, ये बी जेड कर देते हैं। ठीक है, जेड करने के बाद बेटा ये जो सी डैश वाला जो पॉइंट हमने यहाँ करा एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंड करने के बाद बेटा यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट का नाम हमने रखा है ए डैश। क्या रखते हैं हम, ए डैश, आपको दिख ही रहा होगा बेटा ए डैश हो गया, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, इसको एक्सटेंड करने पर ये ए डैश मिल गया, है ना। जैसे ही ये ए डैश मिल गया, अब देखिए बेटा इसी के साथ ये हमारा ये ट्रायंगल जो हम बनाना चाह रहे थे बेटा, इसके अकॉर्डिंग भी बन गया। अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शंस करनी है, तो बेटा मैं इस कंस्ट्रक्शन को फटाफट से साइड में लिख देता हूँ जिससे आपके टाइम बचेगा, तो आप लोग को बस उसे समझ लीजिएगा, मैं जब आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट। सो गाइस, अब आपके सामने मैंने कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट कर दी है, कंस्ट्रक्शंस जिसमें पहला पॉइंट है, समझिए, सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बनाइए। मतलब बी सी जी है, ये हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर खींची बच्चों, है ना। आप लोगों के लिए मैंने टिक भी कर दी है, थोड़ा आपको ईजीली समझ में आ सके। साथ में बी ए 5 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर भी बनाइए, गॉट इट। चलो सेकेंड पॉइंट क्या था बेटा, हमने फिर नीचे न्यून कोण बनाया था, तो बी सी के नीचे न्यून कोण एंगल सी वी वाई बनाइए। जैसे कि इसके नीचे देखिए, बी सी के नीचे हमने बनाया न्यून कोण जिसमें सी बी वाई है, जिसमें हमने ये तीनों ये पॉइंट दिख रहे हैं ये भी काटे हैं। देखिए यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पॉइंट पर भी लिखा है कि बी वाई के साथ 7 बिंदु चिन्हित कीजिए। बी वाई के साथ हमें 7 बिंदु, मतलब बराबर 7 बिंदु में चिन्हित करने थे, तो देखो हमने अपने अकॉर्डिंग चाप लेकर बराबर पॉइंटों में बांट दिए। ठीक है, जिनमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 नाम रखा गया, और फिर इस प्रकार B1 यानी B1 इक्वल रहा B1, B2 के। क्यों? क्योंकि हमने बराबर चाप खींचे थे, बराबर आँख लगाई थी, इसी रीजन से ये क्या हो गए, सभी इक्वल हो गए एक दूसरे से। तो B1 इक्वल है B1, B2 के, B1, B2 इक्वल है B2, B3 के, B3, B4 के, और B4, B5 के, B5, B6 के, और B6, B7 के, गॉट इट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बच्चों हमने इसके बाद क्या करा था, B5 को C से मिलाया था, B5 को C से मिलाया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा था बेटा, इसके पैरेलल हमने इस लाइन को बांटा था। तो देखिए B7 से हमने B7 सी डैश पैरेलल B5 सी खींची, मतलब हमने इसको लाइन को खींचा, फिर उसके बाद बी सी को सी डैश तक बढ़ाकर मिलाइए। मतलब जो बी सी लाइन जो दिख रही है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया सी डैश तक, जिससे क्या होगा, ये लाइन जो मिली तो यहाँ पे सी डैश को हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ तक हमने लाइन एक्सटेंड कर दी। ठीक है, थोड़ा और आगे कर लिए जिससे थोड़ा समझ में आ सके। तो ये हो गई बात। फिर सी डैश से जैसे हमने यहाँ प्रोसेस करी थी,
जी सेम वाली सेम डैश, यहाँ पे जैसे नया पॉइंट मिला वैसे यहाँ वाले पे भी हमने प्रोसेस करी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया सी डैश से सी डैश ए डैश सी डैश, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ए डैश पैरेलल हुआ किसके, सी ए के, ठीक है, जिसमें हमने जो बढ़ाई बढ़ाए गए बी ए से, मतलब बी ए मतलब जो बी ए लाइन दिख रही है इसको भी हमने एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पे भी लाइन बढ़ाई और यहाँ खींची गई। तो देखिए ये ट्रायंगल बाहर की साइड बनाना कि अंदर की साइड, पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बी ए से ए डैश पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, तब हमने ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डैश वांछित त्रिभुज होगा। मतलब आप कहते नहीं है जब आपका कोई काम हो जाता तो आप कहते नहीं है अब जाके ये काम संपन्न हुआ, ऐसा अपन बोलते हैं ना, तो वैसे ही तब जाके जो क्वेश्चन ने बोला था उसके अकॉर्डिंग वांछित त्रिभुज, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमने जो त्रिभुज बनाना था वो बन गया हमारा एक्स्ट्रा एक और वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला। तो जिसकी भुजाएं ट्रायंगल एबीसी, मतलब जो ट्रायंगल एबीसी था ना उसकी संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होगी। तो बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई, अपने कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा। हमने हिंदी में इसीलिए लिखा जिससे क्या होता है कि आपको यूट्यूब पर कहीं ना कहीं इंग्लिश में तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन लोग की डिमांड भी होती है कि यार सर हिंदी में नहीं बताते। तो बच्चों हमने आपको हिंदी में इसलिए लिख दिया जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग भी समझ सकें, उनको समझ में आ गया तो वो अपने आप ही टैलेंटेड होते हैं कि वो अपने आप ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, उनको ज़्यादा लैंग्वेज कन्वर्ट करनी नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें हैं, उनको समझ में आ गई तो अपने आप ही लिख लेंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है इंग्लिश टू हिंदी करने में, तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा कि चलो यार आपको हिंदी में बताऊंगा कंस्ट्रक्शंस अपना। तो देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, अब आप लोग आराम से इसे देख सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हमने करा वो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों देखो क्या करना रह गया है, जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। तो जस्टिफिकेशन बेटा हमने सिर्फ पिछले क्वेश्चन में भी करा था, सेम टू सेम जस्टिफिकेशन है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको हमारे ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर यह वीडियो मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो चलिए मैं जस्टिफिकेशन क्लियरली जल्दी से फटाफट बता देता हूँ जिससे आपका भी समय बच सके। चलिए सो गाइस देखिए यहाँ पे हम छोटी सी जगह पे लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताइएगा। जस्टिफिकेशन में बेटा हमें हमने जो एक नया ट्रायंगल बनाया उसका और जो ऑलरेडी ट्रायंगल क्वेश्चन में बताया गया था वो, इन दोनों का हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन देखना है कि कन्फर्म ये दोनों ट्रायंगल की जो संगत भुजाएं हैं 7/5 की गुनी है भी क्या नहीं। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए बेटा कुछ नहीं होता, इनमें कुछ दो जैसे तीन चीज़ें जैसे कुछ सिमिलैरिटी आ जाती हैं तो अगर कुछ मिलती जुलती होती हैं तो इससे क्या होता है हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल हमारा मिलता जो संगत है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये ट्रायंगल बनाया तो आपको बेटा इसमें पता होगा इसमें कॉमन चीज़ आई है क्या, इनमें बी पॉइंट कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। तो बेटा आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए डैश बी सी डैश इक्वल में एंगल ए बी सी, कॉमन है किसमें, बी पॉइंट दिख रहा है ये कॉमन है, क्योंकि बी पॉइंट इसलिए कॉमन हुआ कि दोनों में हमने ट्रायंगल देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल इसी पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कॉमन सिमिलैरिटी आ गई तो इसीलिए क्या ये दोनों ट्रायंगल हो गए इक्वल हो गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दूसरी जस्टिफिकेशन हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा आपको पता ही होगा बच्चों यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल में ये एंगल दिख रहे हैं एंगल को बराबर बांटा है और जिसकी एंगल भी बराबर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो बेटा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए डैश ए डैश सी डैश बी इक्वल लगा दें एंगल ए सी बी। यहाँ पे देखिए ये सी है और ये सी डैश ये दोनों क्या है बराबर हैं और एक तो क्या है पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो इसी रीजन से क्या हो गया इस ये करस्पॉन्डिंग एंगल बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा सी डॉट ए डॉट बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग प्रॉब्लम है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बाय कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है ये चीज़, क्लियर है। दो चीज़ बेटा जब आपकी दो एंगल आपके क्या हो गए इक्वल हो गए, जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बेटा ऑटोमेटिकली आपकी दोनों ट्रायंगल हैं दोनों ट्रायंगल जिस सिमिलैरिटी आ जाती है किस थ्योरम से, एंगल एंगल वाली थ्योरम से, ठीक है, जो कि हम सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस। तो एंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर जो थोड़ा सिमिलर का साइन होता है एंगल ए बी सी लिख दीजिए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी,
गॉट इट। और जब जो सिमिलैरिटी आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जस्टिफिकेशन है वो प्रूफ होता है, और प्रूफ हमें क्या करना था, जो नया एंगल बनाया है वो यानी कि बी ए डैश अपॉन में बी ए इजिकल्स टू में, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी ए डैश अपॉन में बी है एंड बी सी डैश अपॉन में बी सी एंड बी बी सेवन अपॉन में बी बी फाइव इजिकल्स टू में सेवन अपॉन फाइव। बच्चों हमें क्या प्रूफ यही करना था, क्योंकि हमने जो नया ट्रायंगल बनाया है वो ट्रायंगल की साइड हम ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं ओल्ड ट्रायंगल की, मतलब जो पुराना ट्रायंगल है, तो वो नीचे आ गया ऐसे। देखिए जे एक ट्रायंगल बनाया ए डैश और एक सी डैश और बी सेवन, ये तो तीनों हमें मिले थे, तो ये क्या हुआ जब सिमिलैरिटी आ गई तो ये तीनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, ये क्या नाम है जस्टिफिकेशन में इक्वल हो गए, किसके सेवन बाय सिक्स सेवन बाय फाइव के। तो इसलिए गाइज तो ये आपका प्रूफ होता है यानी जस्टिफिकेशन, क्लियर है। तो अगर आपको यह वीडियो बच्चों पसंद आ गई हो तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है यार, शेयर भी बनता है, इसी बात पे इग्नोर मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आप हमें अपना मानते हैं और अगर आप चाहते हैं हम आप लोग को साथ लाइफ लॉन्ग बनाए रखें, तो आप लोग को बस शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, किए बिना कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोगों को गुड लक।